सर ये इंटरनेट पे सब फेड इंटरेस्ट क्यों चिल्ला रहे हैं? कोई बोल रहा है 25 बेसिस पॉइंट कट होगा, कोई बोल रहा है 50 कट होगा, और स्टॉक मार्केट की अलग ही लगी हुई है, मूव होने का नाम ही नहीं ले रहा है। टीवी के खराब होने पर ना लोग सबसे पहले रिमोट को ही ठोकते हैं। मतलब इंटरेस्ट रेट एक ऐसा टूल है जिससे कंट्री के इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है। पर कैसे? देखो, इकोनॉमी रन होती है मनी फ्लो से, और ये मनी फ्लो आती है बोरिंग्स एंड स्पेंडिंग्स से। बिना पैसों के तो लोगों का ईमान नहीं चलता, इकोनॉमी कहां से चलेगी। पर सर ये इंटरेस्ट रेट से कैसे कनेक्टेड है? बोरिंग से। लो इंटरेस्ट रेट मीन्स चीप बोरिंग, एंड चीप बोरिंग मीन्स मनी इज मोर अफोर्डेबल फॉर द कंट्री। अच्छा। और चीप लोन्स पर कंपनीज भी लो कॉस्ट पर अपना बिजनेस एक्सपेंशन करती है, और लो इंटरेस्ट लोन्स हुआ तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, घर गाड़ी बंगला सब खरीदते हैं लोग। करेक्ट। और ये एक स्लो इकोनॉमी को ग्रो होने में हेल्प करती है, मतलब जितना ज्यादा लोग स्पेंड करेंगे उतनी ज्यादा इकोनॉमी ग्रो होगी। पार्शियली करेक्ट, क्योंकि हाई स्पेंडिंग एक पॉइंट पर रिजल्ट करने लगती है हाई इन्फ्लेशन। अब पैसे सबके पास होंगे स्पेंड करने के लिए तो प्रोडक्ट की प्राइस तो इंक्रीज होगी, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई। एग्जैक्टली। और हाई इन्फ्लेशन हुआ तो लोग अपने बेसिक नीड्स भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसीलिए तब इंटरेस्ट रेट हाई किया जाता है, सो दैट लोगों की स्पेंडिंग को कंट्रोल किया जा सके। और ये रेट्स कंट्रोल करती है कंट्रीज की सेंट्रल बैंक्स, जैसे यूएस की फेडरल रिजर्व और फेड। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि हर फास्ट ग्रोथ के बाद स्लो ग्रोथ आएगा और स्लो ग्रोथ के बाद फास्ट। अब लाइफ हो या इकोनॉमी, परफेक्ट बैलेंस इज अ मिथ।